अगर दोस्तों आप लोग एक कंटेंट क्रिएटर है, आप लोग भी एक न्यू कैमरे बाय करने की सोच रहे हैं जो कि आप लोगों को 40,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये के बजट के अंदर देखने को मिल जाए, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जिस भी कैमरे के बारे में बताने वाला हूँ, वो सारे के सारे आप लोगों को 4K सपोर्टेबल देखने को मिलेंगे। उन सभी की मदद से आप लोग अपनी किसी भी तरह की वीडियो को शूट कर सकते हैं, चाहे आप व्लॉग वीडियो शूट करते हैं या फिर अपनी यूट्यूब वीडियो को बना लेते हैं या फिर दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम रील को बनाते हो। इसकी मदद से दोस्तों आप लोग किसी भी तरह की वीडियो को आसानी से शूट कर पाओगे। बाकी दोस्तों माय लिस्ट में पांचवें नंबर का कैमरा आता है सोनी ZV-E10। ये दोस्तों वैसे तो एक व्लॉगिंग कैमरा होने वाला है, लेकिन इसकी मदद से दोस्तों आप लोग अपने YouTube वीडियो और Instagram रील तक को 4K सपोर्टेबल के साथ शूट कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 21 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से दोस्तों आप लोग की जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो काफी ज्यादा अच्छी आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को अल्ट्रा वाइड 20mm का एक लेंस भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों की फोटोग्राफी के अंदर काफी ज्यादा मदद कर देगा। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों की जो सॉफ्ट स्किन होगी वीडियो के अंदर वो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को 180 डिग्री रोटेट होने वाली एक डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है, जो कि दोस्तों पूरी तरह से टच डिस्प्ले होगी। इसके अलावा दोस्तों ये आप लोगों को सोनी का कैमरा अमेजोन के ऊपर सिर्फ 52,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है विथ लेंस के साथ। बाकी दोस्तों अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का कैमरा आता है पैनासोनिक लूमिक्स G7। अगर दोस्तों आप लोग 40,000 रुपए के अराउंड एक बेस्ट DSLR कैमरा बाय करना चाहते हैं, तो यह कैमरा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को 4K सपोर्टेबल देखने को मिलता है, जिसकी मदद से दोस्तों आप लोग वीडियो और फोटो दोनों आसानी से क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को पूरे 49 ऑटो फोकस देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों आप लोग की जो वीडियो की क्वालिटी होती है उसको काफी ज्यादा बेहतर बना देते हैं। इसके अंदर आप लोगों को वाईफाई कनेक्टेबल भी देखने को मिलता है, उन्हें दोस्तों एक 4K सपोर्टेबल होने वाला आप लोगों की वीडियो के लिए। इसके अंदर आप लोगों को पूरे 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है और इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 3x का ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्ट कैमरा आप लोगों को 3 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा, जिसको कि आप लोग 180 डिग्री तक रोटेट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों 50,000 रुपए के अराउंड बात करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट कैमरा होने वाला है आप लोगों के लिए। इसकी प्राइस दोस्तों अमेजोन के ऊपर सिर्फ 42,000 रुपए। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर का कैमरा आता है कैनन EOS 200D। दोस्तों अगर आप लोग कैनन का कैमरा लेना चाहते हैं तो यह कैमरा आपके लिए बिल्कुल बजट कैमरा होने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को पूरे 24.2 मेगापिक्सल का एक डिजिटल कैमरा लेंस देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों इसके साथ आप लोगों को 18-55mm का एक लेंस किट भी देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करके दोस्तों आप लोग काफी अच्छी खासी वीडियो को शूट कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को DigiCAD प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों इस कैमरे की जो प्रोसेसर होती है उसको काफी ज्यादा फास्ट बना देता है। इसके अंदर आप लोगों को 9 ऑटो फोकस देखने को मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों इसके मदद से आप लोग अपनी YouTube वीडियो और Instagram रील को आसानी से शूट कर सकते हैं। बाकी बात करें दोस्तों प्राइस की, तो यह कैमरा भी आप लोगों को 50,000 रुपए के अराउंड देखने को मिल जाता है, और इसकी एक्चुअल प्राइस की बात करें तो आप लोगों को Amazon के ऊपर 46,999 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर का कैमरा आता है निकोन D7500। दोस्तों अगर आप लोग फोटोग्राफी के लिए कैमरे की तलाश कर रहे हैं तो ये निकोन का कैमरा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 20.9 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जिससे कि आप लोग काफ़ी अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हैं, और इसके अंदर आप लोगों को पूरे 50 पॉइंट ऑटो फोकस देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप लोग की जो वीडियो होगी और फोटो होगी उसकी क्लियरिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 4K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो भी 30fps के ऊपर। बाकी दोस्तों इसके साथ आप लोगों को 18-140mm का एक VR लेंस भी देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों आप लोगों की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के अंदर काफी ज्यादा हेल्प कर देगा। इसके अंदर आप लोगों को 3.2 इंच की एक टच डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों आप लोगों को काफी स्मूथ फील कराने वाली है, और इसके अंदर आप लोगों को पूरे 5x का ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल रहा है। बाकी बात करें प्राइस की, तो ये निकोन का कैमरा आप लोगों को अमेजोन के ऊपर 90,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों हमारे नंबर 1 कैमरे के बारे में, जिसका नाम है कैनन EOS R50 Mark II कैमरा, जो कि दोस्तों आप लोगों को कैनन का देखने को मिल रहा है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 24 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से दोस्तों इसको आप लोग 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड करने में यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को 30fps के ऊपर देखने को मिलता है। इसकी मदद से दोस्तों आप लोग जो भी वीडियो शूट करोगे उसकी क्लियरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है, और इसके अंदर आप लोगों को APS-C का सेंसर भी देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोगों के कैमरे की क्वालिटी को काफी ज्यादा बेस्ट बना देता है। इस कैमरे के अंदर आप लोगों को 3 इंच की एक टच डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप लोगों को काफी अच्छी लगने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसकी मदद से आप लोग अपनी YouTube वीडियो, रील वीडियो
आसानी से शूट कर पाओगे और इसके अंदर आप लोगों को रियल टाइम का काफी अच्छा वीडियो का एक्सपीरियंस होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 15-45 mm के लेंस भी देखने को मिलते हैं। बाकी बात करें दोस्तों प्राइस की, तो अगर आप लोग दोस्तों 60,000 रुपए के अराउंड एक अच्छा सा कैमरा बाय करने की सोच रहे हैं तो ये कैनन का कैमरा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है दोस्तों अमेजोन के ऊपर वैसे तो 60,000 रुपए, लेकिन इसके साथ आप लोगों को पूरे 5,000 का डिस्काउंट के साथ ये कैमरा आप लोगों को 55,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये थे इसे टॉप 5 बेस्ट कैमरा जो कि दोस्तों आप लोगों को अपने बजट के अनुसार देखने को मिल जाते हैं। और ये सारे के सारे कैमरा आप लोगों को 4K सपोर्टेबल देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने कौन सा कैमरा सिलेक्ट किया है।